सो फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती जो कि आगामी एग्ज़ाम में होने वाला है, प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो लोग पुलिस भर्ती यानी कि मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से आपका भारत का संविधान मौलिक कर्तव्य से स्टार्ट हो चुका है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान। सबसे ज़रूरी सूचना यह है कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो 12 फरवरी को होने वाला है पीएससी का, ठीक है, और साथ ही व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली बनाए रहें क्लास में, बिल्कुल नए क्लास रहें। और 7:30 बजे आपका टाइम है, ठीक है, 7:30-8:30 बजे के बीच क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, रात को, ठीक है। तो चलिए फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए अब देरी ना करते हुए। एग्ज़ाम बहुत ही पास है, ठीक है। चलिए, अगर आपने बाकी का वीडियो और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में जाइएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ठीक है, आपके एसएससी में पूछा गया है। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम पीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दें, आपको 30 सेकंड का समय दिया है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? अनुच्छेद 36, ठीक है, उसके बाद ये आपका 13 हो गया, उसके बाद अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिए फटाफट ना, यहाँ पर टाइम पास ना करें। बिल्कुल देखिए, एग्ज़ाम पास में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप रिवाइज करते जाइएगा टेस्ट के रूप में, ठीक है, बिल्कुल रिवाइज करते जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएँ बनती है। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। चलिए आप क्या, हाँ देखिए, पीएससी प्री का एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को है ना, और मेंस की तैयारी हमारे चैनल पर कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। कटअप के बारे में बात करें तो कटअप का मैं वीडियो आपको ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाइए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया है, ठीक है। हाँ, कितने लोगों का आंसर आ चुका है? बिल्कुल सही है, 32, ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर 32 आया है, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 आंसर सी आया है, उनका बिल्कुल सही है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिया गया है आपका अनुच्छेद 32 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभिजीत यानी कि दंडित नहीं किया जाता, मतलब कौन सा आर्टिकल नंबर में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, ठीक है, बार बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा है ऑब्जेक्टिव, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट से कमेंट करना स्टार्ट करें, ठीक है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, मैं 30 सेकंड का, चलिए बाकी लोगों के लिए और समय दे दिया हूँ। बिल्कुल सही आता है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास कंटिन्यू करते रहिएगा। रमेश, गोपाल, सोनू, शर्मिला सिन्हाना, चल कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। क्या आएगा शोषण के, जो देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 17 यानी कि इसको 17, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, यानी कि आपका 17, 19, 23 और 24, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। कितने लोगों का आंसर आया हुआ है? बिल्कुल सही है, देखिए 17 में, बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 17 आंसर ए होगा। चलिए, इसका आंसर कमेंट करना स्टार्ट करें। भारत के संविधान को निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है आपका बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है, भारत का जो संविधान है आपका प्रेस की जो स्वतंत्रता है कौन सा अनुच्छेद में है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। देखिए आंसर इतना जल्दी आ रहा है, आर्टिकल नंबर 19 मतलब 19, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है, मतलब कोई भी व्यक्ति एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए, संपत्ति के जो मूल अधिकार है उसको कौन से संविधान संशोधन में लिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अधिकरण समाप्त कर दिया गया है,
देखिए आपको क्लास करा रहा हूँ इस, यहाँ पर देखिए बाजू में शादी हो रहा है, ठीक है, शादी का क्लास चल रहा है आपका यहाँ पर सभी, ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आवाज़ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप लोग पढ़ाई में ध्यान करते रहिएगा, ठीक है। ये जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ कंटिन्यू क्लास करा रहा हूँ, उसके बगल में शादी का समारोह चल रहा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। संपत्ति का जो मूल अधिकार है आपका, बिल्कुल सही है आंसर गीता, बिल्कुल आंसर 44वें संविधान संशोधन में ये आपका अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। चलिए भारतीय संविधान के अनुसार ये निम्न में से कौन से जो मौलिक अधिकार नहीं है पूछा गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार। बिल्कुल कमेंट करना स्टार्ट करें फटाक से। ये जो सूचना का अधिकार है आपका 44वें संविधान संशोधन में उसको हटा दिया गया है, ये आपका शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार आपका मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार, ठीक है। चलिए इसका बताइए कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। रिट, ठीक है, रिट का मतलब समझते हैं ना, जो रिट की आवश्यकता होती है आपका हो जाएगा आंसर बी, बिल्कुल बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, ठीक है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, और उसका काम के बदले उसका, जैसे कि किसी अधिकारी का कार्य न करके दूसरे अधिकारी का काम करना, ये आपका अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है आपका रिट जारी करने के लिए होता है, ठीक है। और परमादेश क्या होता है, ये आपका अधिकार कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की जो शक्ति है किसके पास है, आपके एग्जाम में पूछा गया पुलिस भर्ती के एग्जाम में, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की जो शक्ति होती है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है राष्ट्रपति, ठीक है, जितने लोगों का राष्ट्रपति आंसर आया है बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है व्यक्ति की विशेष, बिल्कुल सही आंसर है 21, यानी कि आर्टिकल नंबर 21 आंसर सी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए निम्न समादेशों में से कौन सा समादेश है जो किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को जस्ट मैं आपको बताया हूँ, हाँ, इसका मतलब है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी करता है, यानी कि किसी कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के काम को, बड़ा पद को उसके बदले में कार्य करता है, उसको अधिकार परीक्षा कहते हैं, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। कितने लोगों का आंसर आया है? 49 लोगों का आंसर है आंसर डी, बिल्कुल सही है, कमेंट करना स्टार्ट करना। चलिए भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इतना सरल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता, मैं आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में लाया हूँ, ठीक है। संविधान की जो आत्मा है किसके रूप में है जल्दी से बताइए, किसके रूप में वर्णित किया गया भारत का जो संविधान है, ठीक है, एक मिनट, भारत का जो संविधान है किस भाग को संविधानिक की आत्मा के रूप में है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या उद्देशिका या पंचायत, क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है मौलिक अधिकार, हम कौन से क्लास कर रहे हैं भारत के संविधान मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये संविधान की जो आत्मा है मौलिक अधिकार से लिया गया है। इसका आप बताइएगा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आरआरबी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आंसर स्टार्ट हो चुका है आंसर डी, बहुत लोगों का आ रहा है आंसर डी, जितने लोगों का आंसर डी आया हुआ है बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग के द्वारा जो मौलिक अधिकार होता है संशोधन में कौन सक्षम होता है आपका, चुनाव के द्वारा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइएगा, इतना सरल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा,
फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। जो लोग पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं खास तौर पर, तो निम्नलिखित कौन सा जो मूल अधिकार नहीं है, आपको मैं जस्ट अभी बताया हूँ मैं कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए इसका देखिए फटाक से आंसर स्टार्ट हो गया। संपत्ति का अधिकार जो कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नंबर है? 44 1976, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 44 1976 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। इसका क्या आएगा? चलिए भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल सही है, मूल अधिकारों को वर्णन है 24। इसका आप बताइएगा कि कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में प्रवृत्त किए जा रहे हैं। 32 में कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपरोक्त सभी। क्या है? जल्दी से कमेंट करने स्टार्ट करें, ठीक है। बिल्कुल सही है, जो आर्टिकल नंबर 32 है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए इसका क्या आएगा बताइएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायक सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है। जो विधायक सत्ता है उस पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है, कौन सा है जल्दी से बताइएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर इसका? बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 14 यानी कि आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, यह आपके विधायक सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है। चलिए इसका अभी मैं आपको बताया हूँ, ये फिर से रिपीट हुआ है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है और वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है, जल्दी बताइएगा। अभी मैं आपको हाल ही में बताया हूँ, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें फटाफट। देखिए इसका आंसर बहुत लोगों ने आंसर आ रहा है, बहुत फटाफट आंसर आ रहा है। देखिए परमादेश, बिल्कुल सही है, बंदी प्रतीक्षकण नहीं होगा, परमादेश होगा, इसका आंसर ए होगा, जो कि देखिए रीड जारी कर रहा है यहाँ पर। इसका बताइएगा, इतना सवाल में इतना सरल कोई नहीं करने वाला। मौलिक अधिकार जो संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3। बिल्कुल आंसर आ गया भाग 3। कितने लोगों का आंसर आया यहाँ पर भाग 3? बिल्कुल सही है, कमेंट करना स्टार्ट करें भाग 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? क्या आएगा फटाक से कमेंट करना स्टार्ट करें। हकदार नहीं है बोला है मतलब अधिकार परीक्षक। कितने लोगों का आंसर आया है बी? कितने लोगों का आंसर बी आया है, अधिकार परीक्षा? बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही कमेंट करते रहें, टेस्ट दिलाते रहें, ठीक है। जो लोग व्यापम पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं मतलब व्यापम में, ऐसे ही आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो डेली क्लास करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, डेली क्लास कराया जा रहा है 7:30 बजे और 8:30 बजे के बीच, ठीक है। ये डेली क्लास कराया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क है, पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं ये भी एग्ज़ाम में बताइएगा, ठीक है। चाहे आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं। अब हाल ही में तभी आपका पीएससी एग्ज़ाम का मैं तैयारी करवा रहा हूँ, जैसे आपका देख सकते हैं पीएससी एग्ज़ाम जिसका आपका 12 फरवरी को होने वाला है, और पुलिस भर्ती सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम हो चुका है। अब मैं आपको मेंस की तैयारी कल से करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री है, जितने भी सिलेबस के अनुसार बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास करवाने वाला हूं। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती मेंस की तैयारी, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके, बने रहिएगा वीडियो पर, लास्ट तक जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।